हेलो, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका विशाल चौधरी फिटनेस चैनल में। मैं हूँ आपका भाई विशाल चौधरी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सुपर सेट, जाइंट सेट और ड्रॉप सेट क्या होते हैं, इन्हें कब इस्तेमाल करना चाहिए, कब इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो देखो, सबसे पहले बात करता हूँ मैं आपको समझा देता हूँ कि सुपर सेट ड्रॉप सेट होते क्या हैं। सुपर सेट वो होता है जो एक मसल से ज़्यादा, मतलब कि सुपर सेट मतलब एक एक्सरसाइज जो आप वर्कआउट कर रहे हो दोबारा बिना रेस्ट किए दूसरी एक्सरसाइज लगाना, उसे सुपर सेट कहते हैं। जाइंट सेट क्या होता है, बैक टू बैक 3 से 4 एक्सरसाइज एक साथ करना बिना रेस्ट किए, ठीक है। ड्रॉप सेट किसे कहते हैं, आप मैक्सिमम वेट लगा के अपना उसे फेल करते हो, जब थोड़ा थोड़ा वेट ड्रॉप करके 20-30% ड्रॉप करके आप जब उसे कम करते हो, वेट को लाते हो, ठीक है, उसे ड्रॉप सेट कहते हैं। इनकी ज़रूरत कब पड़ती है, देखो सुपर सेट, जॉइंट सेट और ड्रॉप सेट किस चीज़ में काम आते हैं, हमारे मसल की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए, हमारे वर्कआउट को हार्ड बनाने के लिए हो, ठीक है। जो हमारे बिगनर होते हैं उन्होंने कभी वर्कआउट नहीं किया होता, तो जैसे ही डंबल थोड़ा बहुत अपनी मसल पर लोड देंगे तो जाहिर सी बात है उनकी मसल पर लोड पड़ेगा, ठीक है, उनकी मसल ग्रो करेगी। लेकिन जब बिगनर इंटरमीडिएट में आता है या फिर जो इंटरमीडिएट के हैं या जो एडवांस लेवल के हैं, जब उनकी बॉडी एक जगह आकर रुक जाती है, ठीक है, जब उनकी बॉडी एक जगह आकर रुक जाती है, यानी कि आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हो आपको ज़्यादा फायदा नहीं मिल रहा उससे, आपकी बॉडी को पता है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आपकी बॉडी को उसकी आदत पड़ चुकी है, तब ये चीज़ें काम आती है, तब ये टेक्निक काम आती है। आपको सुपर सेट करना चाहिए, जॉइंट सेट करना चाहिए या फिर ड्रॉप सेट करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप शुरू करो सुपर सेट, आप 3 से 4 हफ्ते सुपर सेट करोगे आपकी बॉडी को उसकी आदत पड़ जाएगी, वो रिजल्ट तो आएंगे लेकिन वो कम हो जाएंगे, ठीक है। शुरू शुरू में अच्छी गेनिंग होगी, आपके फाइबर हिट होंगे, आपकी मसल पर और ज़्यादा लोड पड़ेगा, आपकी इंटेंसिटी हाई हो जाएगी वर्कआउट की, तब ये चीज़ें काम आती हैं कि आपको सुपर सेट, ड्रॉप सेट और जॉइंट सेट करने चाहिए, जब आपका मसल ग्रोथ रुक जाता है, ठीक है, आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है, तो आपका मसल ग्रोथ रुक जाएगा, तब आपके लिए ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज मैंने ये चीज़ बता दी आप कल से ही सुपर सेट लगाने शुरू कर दो, आपकी बॉडी को पहचानो। अगर आपको रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं आपके नॉर्मल रेगुलर सेट से भी, जैसे आप लगाते हो 8-10-12 रेस्ट ले गए 30 सेकंड का 1 मिनट का, अगर आपको उनसे ही रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं तो आपको सुपर सेट, जॉइंट सेट, ड्रॉप सेट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ड्रॉप सेट कैसे लगाते हैं, ड्रॉप सेट आप ये मान लो कि आपने 3 सेट अपने रेगुलर लगाए, ठीक है, 3 सेट रेगुलर लगाने के बाद आपने 4th सेट ड्रॉप किया, आपने मैक्सिमम वेट लगा के 8 रैप पे आप फेल हो गए, तो आप 20-30% वेट हटा दो उसका, फिर 8 रैप फेल निकाल लो, फिर 20-30% हटा दो, फिर 8 रैप फेल निकाल लो, 3 से 4 बार ऐसे करो, ठीक है। ये आपका जो आपका लास्ट सेट में होता है, हर एक्सरसाइज में नहीं, ये ज़्यादा हो जाएगा फिर, ठीक है। सुपर सेट का क्या मतलब है, सुपर सेट आप 2 मसल या 3 मसल का वर्कआउट एक साथ कर रहे हो, यानी कि पढ़ लिया आपने बारबेल कर्ल लगा रहे हो आप, उसके साथ आप ट्राइसेप पुश डाउन लगाने लगे, उसे सुपर सेट कहते हैं, ठीक है। आप एक मसल का भी कर सकते हो, जैसे प्लेन बेंच प्रेस, डंबल इंक्लाइन प्रेस और डिक्लाइन बेंच प्रेस, आप तीनों का एक सुपर सेट लगा रहे हो बिना रेस्ट किए, उसे भी सुपर सेट कहते हैं। ये सिर्फ आपकी इसी चीज़ में काम आते हैं कि आपकी मसल पर ज़्यादा लोड पड़ सके, आपकी मसल में जितना अच्छा ब्लड फ्लो अच्छा होगा, ठीक है, आपको एक टाइम पर आके आपकी मसल हिट करना बंद कर देगी, वो ग्रो करना मसल बंद कर देगी, उसके लिए उसे शॉक देने के लिए, यानी कि इस मसल को शॉक देने के लिए, इसे ग्रो करने के लिए तब काम आते हैं हमारे सुपर सेट, ये सारी टेक्निक्स हमारी मसल को ग्रो करने के लिए। अगर आपको बिगिनर हो, जैसे आपने शुरुआत किया जिम की अपनी, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अपना धीरे धीरे करके चलो, जब एडवांस लेवल पर आओगे, इंटरमीडिएट लेवल पर आओगे, आपकी बॉडी खुद बता देगी कि आप ग्रो नहीं कर रहे हो, आपको कुछ नया चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ में ये फ़र्क है, ये नहीं कह रहा मैं कि कल से आप सुपर सेट या ड्रॉप सेट लगाने शुरू कर दो, हर किसी के लिए नहीं है ना, ये हर टाइम काम आते, ठीक है, इनका भी कुछ टाइम होता है, कुछ कितना कितनी देर तक इन्हें, कितने टाइम तक इन्हें करना चाहिए, कितने टाइम तक इन्हें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो धीरे धीरे करो, अपना वर्कआउट अच्छा करो, अपने वर्कआउट, इनका मतलब ये क्या, मेरा कहने का मतलब क्या था, अपना जो वर्कआउट आप कर रहे हो अगर आपको उनसे रिजल्ट नहीं आ रहा तो थोड़ा चेंज करो, उसमें सुपर सेट लगाओ, जॉइंट सेट लगाओ या फिर ड्रॉप सेट लगाओ, ठीक है। अगर बात अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो अपने भाई को। थैंक यू।